हंस रही मम्मी, बहुत ही सस्ते पड़े हम लोग को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और नाइट में व्लॉग शूट कर रहा हूँ, रात के बज चुके हैं 8। आप लोग सोच रहे हैं कि आज स्टार्टिंग से अकेला क्यों है, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा स्टार्टिंग में अकेला क्यों है। तो अभी हम लोग ने खाना कंप्लीट कर दिया, अभी हमारा खाना हो चुका है। मैं जॉब से आया था 6:30 बजे, थोड़ा इधर उधर रास्ते में काम था तो आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। 6 बजे आया और आने के बाद नहाया, फिर यहाँ पे पूजा किया और हम लोग रात को भी पूजा करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो फिर मैं पहले नहाया फिर पूजा किया। तो अभी हमारा फिलहाल यहाँ पे ब्लॉग जो है शूट किया था वो मयूरी देख रही थी और मोबाइल पे चालू रख के वो काम करने के लिए चली गई। देखो यहाँ पे बर्तन मांग रही है मयूरी, कितना मांगे देखिए, बर्तन मांग रही है। नल में पानी आ रहा था तो पानी भर के बर्तन मांग रही है। और यहाँ पे मम्मी बर्तन मांज रही है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन है तो दो जगह पे बर्तन मांज रही है। देखो मम्मी भी मांज रहे हैं, बर्तन हंस रही है मम्मी। बहुत ज़्यादा बर्तन है क्योंकि हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 10-15, कितना है, 10-11 होगा, 10-11। ये भाई का रूम है, ये हमारा कुसा भाई का छोटा लड़का, देखो मस्ती कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई अभी खेल रहा है। अभी मैं लेकर चलता हूँ मम्मी लोग के रूम में। आपको पहले ही बताया था कि मम्मी का रूम दिखाऊंगा, तो ये आ गए हम लोग मम्मी के रूम में। ये मेरा सब हमारे घर में, मतलब कि हम 4 भाई है तो सबसे छोटा ये है। देखो अभी टमाटर खा रहा है, पहले भी आप लोग इसको वीडियो में देखते आए होंगे। तो उन लोगों के घर में, मतलब के रूम में भी पूजा होता है। देखो इन लोग भी पहले आते हैं, नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं। ये हो गया इसका रूम, छोटे वाले का रूम, इसका शादी बाकी है। तो यहाँ पे मम्मी सोती है और ये रहा हमारा, मतलब के मेरे जो मेरे से छोटा है उसका रूम, ये वाला। अभी ये सोया है, आईपीएल देख रहा है, देखो सो के आईपीएल देख रहा है। इसका इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियो बनाता रहता है। इंस्टाग्राम का आईडी क्या है, जिक्स पटेल 007। अभी स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम पे कॉमेडी बनाता है। तो ये इसका रूम है, ये सब चेयर बेयर यहाँ पे रखा है, सामने रिंग लाइट रखी है, ये भाई के लड़के की साइकिल है, छोटा वाला आ गया, देखो अभी ए ए ए ए ए। तो मम्मी लोगों का किचन भी दिखा देता हूँ, सबका किचन अलग अलग है। भी लाइट बंद है, लाइट ये रहा मम्मी लोगों का किचन, मतलब कि जो दूसरा भाई है उसका किचन है। तो मम्मी यहाँ पे रहती है और मम्मी किसी के घर पे भी खाना खा लेते हैं, मेरे घर पे, यहाँ पे बड़ा वाला जो भाई वहाँ पे, मम्मी को जिधर मन करेगा वहाँ पे मम्मी खाना खा लेती है। तो गाइस अभी मैं आपको बताया था कि मम्मी का भी रूम बताऊंगा, तो ये मम्मी का रूम हो गया, हमारा एक लाइन में ये घर सबका, ये मम्मी का हो गया। तो अभी हमारा जो बाबू है वो चाची के साथ खेल रहा है। अभी बाहर देखो, नाइट में शूट कर रहा हूँ तो पूरा अंधेरा है। तो अभी चलते हैं हमारे रूम में, ये मेरा गाड़ी 220 वहाँ पे है और हम लोग आ गए हमारे रूम में। इसने बर्तन मांज लिया है, बर्तन साफ कर लिया ना, अभी रूम में चली गई। अभी रूम में क्या करने के लिए चली गई, सब ठीक ठाक कर रही है अभी, क्योंकि अभी बाबू का सोने का भी टाइम हो गया है तो वो सब ठीक ठाक करेगी। ये आई है अभी, बाबू आएगा थोड़ी देर में सोने के लिए, इसीलिए सब इसका सामान रख रही है। और गाइस कच्चा आम बहुत ज्यादा लेके आ गए हम लोग, तो उसका अचार बनाने वाले हैं, मतलब के उसका रनिंग में अचार बना के खाएगा, ऐसा नॉर्मल सा अचार बनाएगा, फिक्स नहीं रहेगा जैसे बारिश के टाइम पे लोग भर के रखते, ऐसा नहीं, ऐसा डेली खाने के लिए हम लोग बनाने वाले हैं। तो वो अचार आज हम लोग बनाएंगे, मतलब आज आम काटेंगे, कच्चे आम को काटेंगे आज,
और सूखने के लिए डालेंगे। तो अभी मैं सीधा मिलता हूँ, जब आम काटने बैठेंगे तो अभी तो थोड़े के लिए, थोड़े देर के लिए हम लोग छोटा सा स्टॉप लेते हैं, क्या बोलते हैं? तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आप सभी को जय श्री राम। A few moments later. तो हेलो गाइस, अभी देखो यहाँ पे आम आ गए है, अभी कच्चे आम, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आम। ये रहा हमारा आम, और मयूर ये छुरा लेकर आई काटने के लिए, ये वाला छुरा है। ये 100 रुपये के 2.5 किलो आम आए हैं, बहुत ही सस्ते पड़े हम लोग को। ये देखो 100 रुपये के 2.5 किलो आम, थोड़े थे लेकिन 3-4 इसमें से गायब हो गया, अभी इतना बचा है, 4 आम गायब हो गया, एक मैं खा गया, एक दो इधर उधर हो गया। तो अभी मैं काटूंगा गाइस, काटूंगा वैसे काटूंगा। अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो गैस काला काला हो जाएगा। तो गैस इसको मैं पूरा काट लेता हूँ, काटने के बाद हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, तभी हम लोग मिलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वो ये देखो आम, 100 रुपये के 2.5 किलो बाजार से लेकर आया था सुबह मेरा छोटा वाला भाई। तो अभी इसको हम लोग काटेंगे, रात के बज रहे 9:30, और इसको मैं काट के नमक डाल के हल्दी डाल के कल धूप में सुखाने के लिए रख देंगे हम लोग, 1-2 दिन रखेंगे तब जाके अचार अच्छा बनेगा। तो अभी सब पूरा काटने के बाद वापस मिलता हूँ गाइस, ठीक है? तो छोटा सा हम लोग यहाँ पे स्टॉप लेते हैं। गाइस अभी आम कट चुका है, और अभी इसमें हम लोग हल्दी और थोड़ा नमक डाल के थोड़ा मिक्स कर देंगे, और बाद में 1-2 दिन सुखाने के लिए रखेंगे, बाद में उसका अचार करेंगे। तो गाइस अभी पूरा अचार के लिए पूरा आम मैंने काट लिया, 5 से 10 मिनट लगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 6 से 7 ही आम था, आप लोगों ने सबने देखा। तो अभी हम लोग इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फिर वो डालने के बाद 1-2 दिन सुखाने के लिए रखेंगे, फिर अचार भरेंगे उसका। ये डेली खाने के लिए फिक्स नहीं है, वो बारिश के लिए भरते वो वाला नहीं है, क्योंकि बारिश के लिए आम ये काम भी नहीं आएगा ऐसा वाला, उसके लिए अच्छा सा आम चाहिए। ये भी अच्छा है, बट ये चालू बोलते हैं कि जो डेली खाने के लिए भरते हैं ना, उसके लिए ये आम है। तो अभी मयूरी डालेगी इसमें नमक और हल्दी, बारिश के लिए थोड़ा और आम लाना पड़ेगा, और वो राजा पुरी खाता है ना, वो आम से हम लोग भरते है, ये भी टूटा पुरी का है। इसमें डाल रहे नमक। करने वाले मिक्स, इसको बराबर इसको मिक्स करेंगे ताकि मजा आ जाएगा खाने का। और बाबू है सोया हुआ अंदर रूम में, बाबू रूम में सो रहा है, फटाफट कर देते, अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। गाइस नमक थोड़ा कम लग रहा है उसमें, इसको नमक कम लग रहा है सर, ज्यादा डाल देंगे तो लोचा नहीं हो जाएगा गाइस, थोड़ा ही डालेंगे हम।
गाइस डाल रहे हैं अभी इसको कपड़े में डाल देंगे तो वो नमक का जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा, इसके लिए डाल रहे हैं ना। हल्दी तो नमक थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा आम में और बाद में कल सुबह में सुखाने के लिए रखेंगे। एक आम खा लेता हूँ ऐसे वाला। तो गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फैमिली ब्लॉग देखने के लिए, कपल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आगे अच्छी अच्छी ब्लॉग और वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। तो गाइस कपल राइड का भी हम लोग सोच रहे हैं, जब बाबू बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 3-4 महीने में कपल राइड भी स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो अच्छे से एक बाइक स्पोर्ट्स बाइक ले लेंगे, लेकिन आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग जरूर से स्पोर्ट्स बाइक लेके कपल राइड का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देता कि ऐसे अच्छे अच्छे फैमिली ब्लॉग लाते रहे हम लोग। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी रात के बज चुके हैं, 9:30 से ऊपर बज चुके हैं, 9:45 हो गए तो हम लोग अभी सोते हैं। और आप सभी को जय श्री राम, जय जलारा बापा, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी से।